नेक्स्ट हमारा है रिलेशन बिटवीन रिकॉयल एंगल इन लैब सिस्टम एंड स्कैटरिंग एंगल इन सेंट्रामास सिस्टम आपका लैब सिस्टम में आपका रिकॉयल जो एंगल है दैट विल बी अल्फा और थीट्टा आपका स्कैटरिंग एंगल है और वन एट्टी माइनस थीटा जो है आपका रिकॉयल एंगल से तो देखें आप ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल ऑफ मासिस एम वन एंड एम टू आफ्टर कोलिजन इन लेबोरेटरी एंड मास सिस्टम वो तो आपको पहले से पता है आपको फिगर में बताया हमने तो आपका अल्फ़ा एंड वन एटी माइनस थीटा आर दी एंगल ऑफ रिकॉयल इन लैब और सेंट्रामास सिस्टम ठीक है तो थीटा जो है आपका एंगल ऑफ कैटरिंग है इन द सेंट्रामास सिस्टम ना आपको विलोसिस के बीच में रिलेशन पता है आपका ये सेंट्रामास और आपका लैब सिस्टम है जो विलोसिस है तो वी टू डैश इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वी टू हमारा किसकी इक्वल होगा वी टू डैश प्लस वी ठीक है ना इनको हम क्या करेंगे इनके कॉम्पोनेंट्स में हम लिख लेंगे एक्सप्रेस दलोस इन टर्म्स ऑफ एक्स एन बाई कंपोनेंट्स तो आपको V2 को लिखना है और आपको किसको लिखना है V2 टू डैश को लिखना है ठीक है तो जब आप V2 को लिखेंगे आप देख लें नेक्स्ट आप हमारा क्या होगा कि आपको V2 को और V2 टू डैश को आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स तो जब आप V2 टू को देखें आप, आपका V2 आपका ये है ठीक है तो V2 टू की डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट्स क्या आएगा वी टू को आ गया वी टू को आई कैप और y के डायरेक्शन्स में ये आपका y का डायरेक्शन्स है y डैश है तो v2 टू साइन अल्फा और y का डायरेक्शंस क्या है आपका माइनस जी तो आपका यहाँ पे जो साइन आएगा वो आएगा आपका नेगेटिव ठीक है माइनस क्योंकि ये माइनस y की डायरेक्शन्स में है नाउ अब आपको v2 टू डैश को लिखना है तो इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई कंपोनेंट्स में तो आप चले जाएँ उसमें आपका सेंड्रमा सिस्टम में वी टू देखिए आपका ये एंगल अगर थीटा है ये आपका स्कैटरिंग एंगल है तो ये भी आपका स्कैटरिंग एंगल होगा ये 180 एटी माइनस थीटा जो है आपका रिकॉयल एंगल है सेंटर मास सिस्टम में तो आपको v2 टू डैश को लिखना है इन टर्म्स ऑफ x और y तो देखें दिस इज़ योर x और ये आपका जो है y है तो देखें v2 टू का कॉम्पोनेंट्स एक्स की डायरेक्शन्स में क्या होगा वी टू डैश कॉस थीटा बट डायरेक्शन क्या माइनस आई कैप तो लिखें आप माइनस वी टू डैश को आई कैप सिमिलरली आपका ये देखें वी टू डैश का कॉम्पोनेंट्स इन वाई की डायरेक्शंस में तो आपका क्या होगा ये वी टू डैश साइन थीटा वी टू डैश साइन थीटा जी कैप बट ये डायरेक्शंस कौन सी है माइनस में है नेगेटिव है तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगा क्या थोड़ी सी मिस्टेक्स है बुक्स में तो ये वाला लाइन जो है आप इसको अवॉइड कर सकते हैं तो डायरेक्टली आप कॉम्पोनेंट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं नाउ अब आप कंपेयर करेंगे एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स को देखें आपका ये आई है और ये भी आपका आई है और ये भी आपका आई है तो आपका क्या होगा वी टू कोस अल्फ़ा आया अब यहाँ से वी प्लस में यहाँ से माइनस वी टू डैश कॉस सीटा ये कंपेयर करा अब वाई के कॉम्पोनेंट्स को कंपेयर करें आप तो क्या होगा वी टू साइन अल्फा माइनस में है ना वी टू साइन अल्फा माइनस में और आपका यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस पी टू डैश साइन थीटा तो माइनस माइन नेगेटिव साइन आपके जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनली वी हैव टर्म्स इन पॉजिटिव ठीक है फिर आपका क्वेश्चन सही है ठीक है यू कैन अवॉइड दिस लाइन तो ये हमने आपका लैब सिस्टम बनाया था या आपका हमारा हमने सेंटर में सिस्टम बनाया नौ वैसा ही आपका चलेंगे आप इसको डिवाइड कर लें साइन अल्फा भाई कोस अल्फ़ा आप डिवाइड कर लें क्वेश्चन को तो हमारे पास क्या होगा वी टू डैश साइन थीटा माइनस डिवाइडेड बाई वी माइनस वी टू डैश कॉस थीटा ना आप वी टू डैश को कॉमन ले लें जब आप वी टू डैश को कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर से और नीचे कैंसिल हो जाएगा बट यहाँ पे वी टू डैश नहीं है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपका नीचे आएगा वी टू डैश तो हमारे पास ये टर्म आई सिंस आपको मास का वेलोसिटी पता है एम वन यू वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू ये सेंट्रामास का जो वेलोसिटी है वो सिर्फ़ आता है आपका लैब सिस्टम में ठीक है तो आपका क्या है आप आपने ये भी करा हुआ है आपका वी टू डैश इज़ इक्वल टू यू टू डैश जब आपने कंपेयर करा था वेलोसिटीज को आपने लैब सिस्टम में और सेंट्रामास सिस्टम में तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी तो जब आप ये आप डिवाइड करेंगे इन इन इसको v बाई वी टू डैश को जब आप डिवाइड करेंगे क्योंकि आपका ये मास का वेलोसिटी और v2 टू डैश ये आपका सेम है जब डिवाइड करेंगे विच इज़ इक्वल टू वन तो हमारे पास रिजल्ट होगा टेनल्फा इज इक्वल टू तो साइन थीटा वन माइनस कॉस थीटा हमारे पास टेनल्फा अल्फा किसके इक्वल आया हमारा साइन थीटा वन माइनस कॉस सीटा अब इसको वैसे लिख सकते हैं साइन थीटा को टू साइन थीटा बाई टू कॉस ऐटा बाई टू ये हमने बता दिया आपको वन माइनस कॉस सीटा को आप इन टर्म्स ऑफ साइन भी लिख सकते हैं क्योंकि साइन कॉस टू थीटा का फॉर्मला है कि ये भी होता है टू साइन स्क्वेयर थीटा का इक्वल आता है वन माइनस कॉस टू थीटा तो टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू क्योंकि एंगल यहाँ पे ऑलरेडी सिंगल है तो इसका हाफ थीटा बाई टू होगा ठीक है तो जब आप सॉल्व करेंगे तो टू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई टू और ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई टू कैंसिल आउट यहाँ से सिंगल एक साइन थीटा बाई टू बचेगा को थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू को थीटा बाई टू कंपेयर करेंगे तो कॉ थीटा टू थीटा बाई टू का आप टेन नाइन्टी माइनस थीटा बाई टू लिख सकते हैं तो अल्फ़ा जो हमारा जो है आपका जो आपका एंगल आ रहा है विच इज़ इक्वल टू तो नाइंटी डिग्री माइनस थीटा बाई टू तो, तो दिस इज अशंस बिट्वीन रिकॉयल एंगल किस सिस्टम में लैब सिस्टम में और थीटा आपका स्कैटरिंग एंगल है किस सिस्टम में सेंटर मास सिस्टम में अब भाई आप इसको ऐसा कर सकते हैं आपका क्या होगा ये आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो वन एट्टी माइनस सीटा विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा तो वन एट्टी माइनस सीटा ये आपने निकाला था ये एंगल ऑफ आपका क्या है रिकॉयल है किस में सेंटर मास सिस्टम में वो किससे डबल आ रहा है किससे एंगल ऑफ रिकॉयल इन लैब सिस्टम तो रिकॉयल एंगल इन सेंटर मास सिस्टम इज ट्वाइस दी एंगल ऑफ रिकॉयल इन लैब सिस्टम क्लियर है अब आपने केसिस करा था अगर आपके मासिस दोनों सेम हैं तो हमारा जो फाइव है वो थीटा बाई टू के इक्वल होगा ठीक है फाइव आपका क्या है एंगल ऑफ स्कैटरिंग इन लैब सिस्टम तो भैया आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आपका क्या होगा अल्फा इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री आप थीटा बाई टू की जगह आप क्या लिख सकते हैं फाइव फाइव लिख सकते हैं ठीक है ये आपका स्कैटरिंग एंगल है लैब सिस्टम में तो अल्फा प्लस फाइव इज इक्वल टू नाइन्टी अल्फ़ा क्या चीज़ है आपका रिकॉयल एंगल फाइव कैब आपका स्कैटरिंग एंगल तो दोनों का सम किसके इक्वल आ रहा है नाइनटी इट मीनस स्कैटरिंग और इक्वाइल पार्टिकल्स ट्रेवल एट राइट एंगल टू इच अदर्स ठीक है इन लैब सिस्टम ठीक है इन केस ऑफ इलास्टिक इलास्टिकोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासिस